दोस्तों हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यह वीडियो आज उनके लिए होने वाला है जो अपने घर से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। यह वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है इस वक्त केदारनाथ में, और बहुत ही ठंडा मौसम यहाँ पर हुआ पड़ा है। तो आप घर से निकलते समय अपने साथ आपको गर्म कपड़े भी रखने होंगे। जानते हैं आज के मौसम की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, सिर्फ 18 अक्टूबर को यहाँ पर मौसम खराब रहेगा, और फिर उसके बाद 19 से लेकर 24 अक्टूबर तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। आप 19 अक्टूबर के बाद यहाँ पर यात्रा के लिए आ सकते हैं। और फिर मैं बता दूँ यहाँ पर, यहाँ मौसम में कुछ पता नहीं कब मौसम यहाँ पर बिगड़ जाए। तो ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर फिर से बर्फबारी हो सकती है। तो अगर ऐसे ही यहाँ पर बर्फबारी होती रही तो यात्रा को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी होने से यात्रियों को परेशानी होगी। यहाँ पर रहना खाना सब महंगा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गाड़ियाँ कैसे बर्फ से लदी हुई हैं, यही मंजर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर जो आने वाले यात्री फंस गए तो उन्हें निकालने के लिए फिर सरकार को हेलीकॉप्टर लगाने पड़ेंगे, जो कि यात्रियों के लिए बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था बाबा केदारनाथ मंदिर पर भीड़ कम हो चुकी है, सबको गर्भगृह के दर्शन होंगे और रूम भी सस्ते मिलेंगे, खाना पीना सब सस्ता होगा, ये कहा था। उसके दो दिन बाद यहाँ पर मौसम फिर बिगड़ जाता है, और फिर आपने देखा यहाँ पर कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वक्त लोगों का आना तो कम हो गया है, पर बर्फबारी के कारण यहाँ फिर से महंगाई बढ़ चुकी है, और यहाँ पर आप रूम लेना भी महंगा हो चुका है यहाँ पर, और रहना भी महंगा, और यहाँ पर खाना पीना सब महंगा हो चुका है। अब ये आप लोगों को देखना है कि अब आप किस टाइम दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में हमने आपको वेदर रिपोर्ट भी दिखाई है। यहाँ पर 19 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक मौसम साफ रहेगा, उस दौरान यहाँ पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। दोस्तों कैसे लगा हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियोस? तो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।